अब खबर फतेहगढ़ से। जैसलमेर के फतेहगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग पर मनमानी के कारण आरोपित सहित विद्युत प्रदर्शन विद्युत के विभाग के ढीले रवैये कारण वहां पे अभी प्रदर्शन हो गया। ग्रामीण चंदा कर विद्युत विभाग के सहयोग से बनाया जीएसएस विभाग चालू नहीं करने की आड़ में कर रहे हैं सामान ट्रांसफर। इसी को लेकर ग्रामीणों को सूचना पे भारी मात्रा में जमा हो गई वहां के लोग। डांगर जीएसएस पर भीड़ में किया विरोध। उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमने राज्य कार्य में बाधा की कार्रवाई की है, जिस पर ग्रामीणों ने फुट्टा वहां पे गुस्सा। इस पे विद्युत विभाग की टीम पहुंची और समझाइश के लिए माने, लेकिन ग्रामीणों को बता दे कि सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ग्रामीणों का सबब बना हुआ है। डांगरी क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त लाइट नहीं मिलने से परेशान किसानों व ग्रामीणों को भामाशाह राशि एकत्रित कर विभाग के सहयोग से जीएसएस का निर्माण करवाया गया था। इस मामले में पूरी जानकारी के लिए जैसलमेर फतेहगढ़ से हमारे संवाददाता गोमाराम जयपाल बताएंगे। एक जगह सुनसान जगह पर विद्युत विभाग जीएसएस पर ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है, इसका कारण जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। इसका क्या रीजन है? 8 दिन तक यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा कर्मचारियों की लापरवाही, चाहे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही, चाहे यहाँ के किसान यहाँ के ग्रामीण लाइट के लिए जैसे पहले पानी के लिए त्रस्त थे, वैसे ही यहाँ पर लाइट के लिए त्रस्त। इतनी बड़ी मात्रा में ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आइए हम इनसे समस्या के लिए बात करते हैं। जयराम दहिया है, मैं यहाँ से हूँ दर्जी। आप क्या करते हैं? मेरा काम अनाज खरीदना है और मैं यहाँ से हूँ। यहाँ पर भीड़ हुई है, किस कारण? यहाँ पर सुबह 11 बजे हमारे को फोन आया है एसएसआर का कि यहाँ पर जो ईसीबी लगी हुई है मोटा जी से शिफ्ट करना है। तो हमने सभी किसानों से राय ली। किसानों ने बोला जब तक इस जीएसएस का सप्लाई या उद्घाटन नहीं होता है, जब तक हम यहाँ से नटे नहीं लगाएंगे। और ये जीएसएस जैसलमेर में जो 63 जीएसएस सेक्शन है उसमें ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग से ये कार्य करवाया गया है और उनका कार्य अभी भी चालू है। इनकी मरुस्थलीय इलाके में इतनी भीड़ को देखते हुए विद्युत विभाग ने संज्ञान तो लिया है, बल्कि यहाँ पर टीम भी भेजी है जिनका नेतृत्व कर रहे जयन हरी जयपाल। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि इनकी ग्रामीणों एवं विद्युत विभाग की आपसी बातचीत में समझौता में क्या नतीजा निकला है एवं आगे की क्या रणनीति है। हरी जी, आज का मामला क्या है, किस संबंध में? मोटर ले जाने के लिए कह रहे हैं सीसा ने, तो यहाँ आए हैं। ये मामला है तो अभी तो कोई इंटरनेट कनेक्शन हुआ नहीं है। 3 फीट रहा जल्दी करने के, तो 3 तो इसी भी लग रखी नहीं। आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है कि विद्युत विभाग के एवं सरकारी खर्च से ही जीएसएस बनता है, लेकिन यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में ऐसा पहला मामला है कि जो ग्रामीणों के धनबल के सहयोग से जीएसएस का निर्माण करवाया गया है। इस पर विद्युत विभाग कितनी मेहरबानी करती है, वो इस समय ग्रामीण जो इतनी धूप में बैठे हैं वो अपने आप महसूस कर रहे हैं। इस पर आग इतनी भीड़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ के ट्रांसफर करनी चाहिए उसे भी? डांगरी से मोटा ज़्यादा मार्केट देता है क्या? ये तो क्योंकि अनलिमिटेड की है, तो जिससे वहाँ पे स्टोर मनी थी इसलिए यहाँ से मंगवाया, इसलिए तो करनी चाहिए। नहीं, वहाँ पर ऐसी क्या नौबत आई मोटा में जो हिसाब है ऊपर से आते हमारे ले जाएंगे तो फिर आप का क्या? देखो, सबसे पहला हमारा तो ये कहना है, कहने का मतलब हमारे को लाइट से मतलब चाहे कैसे भी आए हमारी सप्लाई यहाँ चालू कर दो, भले पूरा आइटम ले जाओ, हमारे को मतलब हमारा यहाँ पर जो 4 फीटर सेक्शन है और एक हमारे PST सेक्शन है, 5 फीटर सेक्शन वहाँ पर हमारी वी सी भी लगी हुई है, यदि एक्स्ट्रा होते हैं आप ले जा सकते हो, हम मना क्यों करें? हमारी डांगरी जीएसएस की ही स्वीकार करते वही लगी हुई है, दूसरी जगह भी नहीं है। यदि दूसरी जगह की लगी हुई है तो कागज पेश करें और लिखे जाए। आज इतनी धूप में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, तो इनको लाइट ही, इस धूप में लाइट ही बहुत बड़ी जीवन आगे बढ़ाने और रहन सहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज इन्होंने विद्युत विभाग की टीम भी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ का सामान कुछ जरूरतमंद एक्स्ट्रा बता रही है वो खोलने के लिए आई हुई है टीम, लेकिन यहाँ के ग्रामीण और जब होकर एकजुट हुए हैं। इतनी धूप हो लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो ग्रामीणों